चारों अलग अलग जातियों के दोस्त थे और हॉस्टल में रहा करते थे। हॉस्टल में रहते हुए तमाम अपनी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे, साथ में एक कमरे में रह रहे थे। अलग अलग तरीके की बातें थी, अलग अलग तरीके का अनुभव था। और एक रात बातें करते करते अचानक उनको भूख लगी। भूख लगी तो तय हुआ कि क्या बनाया जाए, कौन सा पकवान बनाया जाए जिसको हम खा सकें, अपना पेट भर सकें। ये सब लोगों ने तय किया। चारों अलग अलग जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों के चारों दोस्त जो हैं तय करते हैं कि चलिए एक पकवान बनाते हैं, खीर बनाते हैं, और खीर बना के आपस में हम लोग खाएंगे, मज़े करेंगे, बातें करेंगे। तय हुआ कि सब लोग अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करेंगे। कोई चावल लेकर आया, कोई दूध लेकर आया, किसी ने आग जलाई, किसी ने चीनी डाली और किसी ने उसको हिलाया और उसको पकाया, मिलकर एक स्वादिष्ट खीर को तैयार कर लिया। बहुत अच्छी खीर बनी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, लग रहा था कि अभी इसको खा लिया जाए। लेकिन जो हमारे ब्राह्मण साथी थे उनकी बुद्धि दौड़ी थोड़ा, जैसा कि चरित्र में कुछ चीज़ें होती हैं कि वो जाती नहीं है चीज़ जो चालाकी करने की, जो एक प्रवृत्ति सदियों से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई खीर तो बन गई है, लेकिन इस खीर को अभी खाएंगे नहीं, अभी खाएंगे नहीं, इसको रख देते हैं और रात में जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा, सुबह उठकर वो अपना सपना सुनाएगा और जिसका सबसे अच्छा सपना होगा उसको सारी की सारी खीर मिलेगी। खीर बनाई सबने, साधन लगाए सबने, मेहनत की सबने, खीर मिलनी चाहिए थी सबको, लेकिन उन्होंने अपना प्रपंच लगाया कि जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा सारी खीर सुबह उसको दी जाएगी। तो सबसे पहले लोग सो गए, सुबह का इंतजार हुआ, सुबह उठे लोग, पूछा गया कि क्या सपना आया बताइए। तो ब्राह्मण मित्र जो है वो कहते हैं कि मेरे सपने में भगवान राम आए थे, साक्षात उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मुझे कहा कि जाओ ये खीर तुम खा लो, तो अब मैं खीर खाऊंगा, सारी खीर मेरी है। अब जो क्षत्रिय भाई साहब थे वो भी थोड़ा सीख गए हैं, क्योंकि व्यवस्था में रहते हैं तो आप भी सीख जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे सपने में तो राम और सीता दोनों आ गए थे, दोनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि खीर तो आपको ही खानी है, इसलिए सारी खीर मेरी है। अब आए हमारे बनिया साहब, वैश्य साहब, उनसे पूछा गया बताइए कौन सा सपना आपको आया, कितना अच्छा सपना आया ताकि खीर का बंटवारा हो सके। तो बनिया भाई साहब कहते हैं कि मेरे सपने में तो राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, पूरा राम दरबार आ गया। उन्होंने कहा कि बच्चा तुमको ही खीर खानी है, इसलिए सारी खीर मेरी है, तुम लोगों का खीर पे कोई अधिकार नहीं। अब हमारे भाई साहब बैठे हुए सदियों के सताए हुए, सदियों के भूखे, तमाम तरीके की विपत्तियां झेलते हुए बैठे हुए हैं। पूछा उनसे, बताइए आप अपना सपना, आपको सपने में कौन दिखा, क्या सपना आया कि आपको खीर मिले। तो हमारे शूद्र भाई साहब कहते हैं मेरे सपने में रात में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे, वो बोले हे मूर्ख उठ जा, सदियों से सो रहा है, तेरी खीर कोई और खा रहा है, इसलिए मैं आधी रात में उठा और मैंने सारी खीर खा ली। तो